आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। पंजाब में माहौल बिगड़ने की आशंका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई। साथ ही अमृतसर, फाजिलका, मोगा, भटिंडा और मुक्तसर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू करने के साथ ही भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दरअसल खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उसकी दो कारों को जब्त कर लिया है। ऐसे में जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल के मुताबिक अमृतपाल सिंह को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। पुलिस ने अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उनके हथियारों की वैधता की जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जबकि कई अन्य खालिस्तान समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल कुछ साथियों संग भाग निकला है। गिरफ्तार आरोपियों से राइफल, रिवॉल्वर और विभिन्न कैलिबर के कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस बीच पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। साथ ही हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लगती पंजाब की सीमा को भी सील कर दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।